लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबर कर कुल खान, सबर वली शाह कैसे? मेरे दोस्त, मेरे साथी, गुलरोश तेरा दुश्मन क्योंकि वो तेरी गुलनार को तुझसे छीन रहा है, और वो फौजी विजय मेरा दुश्मन क्योंकि मेरी जिंदगी की मोमबत्ती रोशनी उस पर अपना दिल लुटा चुकी है। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा वली शाह। करेंगे गुलखान, करेंगे। विजय और कुलरोश की आपस में फूट। फूट? वो कैसे? ये मत पूछ गुलखान। वली शाह दिमाग ही दिमाग में शतरंज खेलता रहता है। हिंदुस्तानी फौज की वर्दी पहनकर कारनामा किए हुए, यानी हिंदुस्तानी फौज को बदनाम किए हुए एक अरसा गुजर गया। अलीफ से, अलीफ से, अलीफ से, खामोश। अलीफ से अल्लाह नहीं, अलीफ से ईश्वर होता है, ईश्वर। अलीफ से अल्लाह भी होता है। तो मुसलमान अल्लाह अल्लाह से बाज नहीं आएगा। मेरे फौजी भाई, जिसकी रगों में कुरान पाक की आयतें बसी हुई हो, वो मुसलमान मुसलमान ही रहता है। तो सुन लो ए मुसलमानों, आज के बाद जम्मू और कश्मीर में कोई मुसलमान नहीं रहेगा। फौजी भाई, अभी कैसी बातें कर रहे हैं? मैं किसी का भाई नहीं। अल्लाह। साथियों, देखते क्या हो, भून डालो इन सबको। मैं ठीक कह रहा हूँ गुलरोश, हिंदुस्तानी फौजियों ने तुम्हारी बहन को घेर रखा है। झूठ है ये, सच है ये। अगर यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलो। चलो। अल्लाह बहुत अल्लाह अल्लाह करती है। हम तुझे गोली से नहीं, नुकीले भाले से मारेंगे। इस नुकीले भाले से। पाजी, मुझे शराबी से भी बुरा है। देखो वो भाग रहे। रुक जाओ हिंदुस्तानी फौजियों, रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। मैंने कहा ना कि हिंदुस्तानी फौजियों ने किया है। देखो ये झंडे सबूत है इस बात का। नहीं हो सकता, ऐसा हुआ है। नूर, क्या हुआ? हाँ भैया, वो हिंदुस्तानी फौजी कह रहा था जम्मू कश्मीर में कोई मुसलमान नहीं बचेगा। हौसला गुलरोश, इसमें जरूर किसी की कोई साजिश है। कोई साजिश वाजिश नहीं, ये हकीकत है। तुम लोग कातिल हो, वाकई कातिल हो। नहीं गुलरोश, रुको मत। लोग कहते रहे मुझसे कि हिंदुस्तानी फौज हमारी दुश्मन है, कातिल है। मैं झूठी समझता था, लेकिन आज असलियत सामने आ गई ना। ये देख, ये लाशें, ये मेरी बहन नूर, नूर कितने मान से कहती थी कि लगता है सारी हिंदुस्तानी फौज की मैं इकलौती बहन हूं, और आज उसी फौज ने अपनी इकलौती बहन को मार डाला। खुशोश बोल, अरे बोल फौजी बोल, तू क्या बोलेगा? बोलने का और करने का वक्त अब मेरा है। मेरी बहन की मौत के साथ साथ इन बेगुनाह बच्चों की मौत का बदला मैं लूंगा। मैं अली शाह, ये है वो दो हिंदुस्तानी फौजी, ये है। क्या कहता है ये कातिल, क्या कहता है बोल। विजय साहब ने कर्नल साहब के हुक्म के मुताबिक हम फौजियों को बहुत सारा रुपया दिया और कहा कि गुलरोश की बहन नूर के साथ साथ स्कूल के मासूम बच्चों को भी खत्म कर दिया जाए, और हमारे फौजी साथियों ने सबको मार डाला। सुन लिया गुलरोश, सुन लिया, सुन लिया, सुन लिया और समझ भी लिया मैंने। क्या ये हाथ जो दुआ के लिए उठते थे, अब इंतकाम लेंगे। शाबाश गुलरोश, शाबाश। इंतकाम लेंगे, इंतकाम लेंगे।
ट्रेनिंग के बाद का पहला काम विजय की मौत, उस कर्नल को हमारे कदमों में ला के डालना। ये कर्नल हमारी कैद में होगा तभी हमारा भाई अली शाह आजाद हो सकेगा इंशाल्लाह। अच्छा हो जाऊंगा, आओ। शीतल, विजय। अरे मैडम, आप सब यहाँ? हाँ, यहाँ से लेकर श्रीनगर के आसपास बहुत बाढ़ आई हुई है। हम डॉक्टरों की टीम लेकर आए हैं ताकि बाढ़ से पीड़ित लोगों की मदद कर सके और कोई बीमारी न फैले। अच्छा मैडम, लेकिन आप लोग ठहरे कहाँ हैं? ये हमारे टेंट्स में। शीतल, मैं फिर कहती हूँ, वापस जाने का फैसला बदल दो। मुझे जाने दीजिए मैडम। जाओगी? दिल यहाँ छोड़कर अपने हड्डियों के ढांचे को लेकर कहाँ जाओगी? आप तो मेरी मजबूरियां जानती हैं। मजबूरियों से भागना मजबूरियों का हल तो नहीं है। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। जियो तो कैसे जियो, मरूं तो कैसे मरूं? पगली, अरे पगली, वो बड़े किस्मत वाले होते हैं जिन्हें जिंदगी में सच्चा प्यार मिले। और तुझे जो प्यार करता है वो वहां है। क्यों शीतल, देख लिया ना विजय को? खामोश, अकेला, बिल्कुल तन्हा। शीतल, जब कोई नहीं होता तो तन्हाइयां होती हैं। जब कोई नहीं बोलता तो तन्हाइयां बोलती हैं। और जब तन्हाइयां बोलती हैं तब परछाइयां भी कहां कहां फूटती हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो अपने दिल से पूछो, अपनी आत्मा से पूछो शीतल।